आज का प्रातः क्लास है 8/12/68। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। वो आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आ करके हमको गुलगुल बनाते हैं, आते हैं तो कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल है। जितना जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं, पढ़ाई से दिलाते हैं। स्टूडेंट जानते हैं हम टीचर से फलाना बनते हैं। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सदगुरु भी है, और ये कोई नई बात नहीं है। जो बाबा टीचर है उनको ही हम याद करते हैं, हमको पढ़ा करके ये बना रहे हैं। हम समझते हैं हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है, हमको वापस घर ले जाते हैं। रावण का तो कोई घर ही नहीं होता है। घर राम का होता है। क्यों? रावण के रहने का कोई ठिकाना नहीं होता क्या? रावण का घर लंका में नहीं गाया हुआ है क्या? है सारी सृष्टि में ही रावण व्याप्त है। स्टूडेंट जानते हैं कि घर तो राम का होता है, क्योंकि राम आकर अपना घर बनाते हैं। वहां शांति धाम में तो बाप रहते हैं, तुमसे कोई पूछे शिव बाबा कहाँ रहते हैं, तुम झट कहेंगे परम धाम में। परंतु रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, वो रावण कहां रहते हैं कहेंगे पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं। जैसे कि उनका कोई ठिकाना ही नहीं है, रावण भटकता रहता है। और रावण संप्रदाय है वो भी भटकते रहते हैं। रावण खुद भी भटकता है और रावण के फॉलोअर्स जो बच्चे हैं वो भी भटकते हैं। तुमको भी भटकाता है। तुम कब रावण को याद करते हो क्या? नहीं। फिर भी
तुमको कितना भटकाता है। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। कैसा मार्ग? भटकाने का मार्ग। भागते रहो, भागते रहो, ठिकाना कहीं मिलता ही नहीं। ये है ही रावण राज्य। गांधी भी कहते थे रावण राज्य। हमें तो राम राज्य चाहिए। गोया रावण राज्य ही है ना। तो बच्चे देखते हैं इस रथ में हमारा बाबा आया हुआ है। तो बच्चों की बुद्धि को भागने वाली बुद्धि नहीं कहेंगे। रथ में मुकर्रर ठिकाना मिल जाता है। वो बड़ा बाबा है, वो बाबा आत्माओं से बच्चे बच्चे कह करके बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप है, और रूहानी बाप की बुद्धि में तुम रूहानी बच्चे। क्योंकि हमारा कनेक्शन है ही मूल वतन में। कहते भी यार आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो वहां तुम आत्मा बाप के साथ इकट्ठे रहते हो। फिर अलग होते हो अपना अपना पार्ट बजाने के लिए। तो अलग रहे बहुकाल उसका भी हिसाब चाहिए, और वो हिसाब भी बाप बैठे बतलाते हैं। अभी तुम वो पढ़ाई पढ़ रहे हो। पढ़ाई पढ़ने में भी तुम्हारे में नंबर बार है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ही पहले पहले मेरे से जुदा होते हैं, वो ही फिर मुझे बहुत याद करेंगे। और बहुत याद करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा? पहले पहले आ जाएंगे। तुम वहां जाते हो नई दुनिया में, जोड़ी तो जरूर चाहिए। क्योंकि तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना। ये संबंध देखो कैसा है। बाप बैठे तुम बच्चों को सारी षष्ठी चक्र का गुह्यते गुह्यतम राज समझाते हैं, जो राज और कोई नहीं जानते। 21 जन्मों का पूरा साथ देते हैं। इस राज को गुही भी कहा जाता है और गुह्यतम भी कहा जाता है। ये भी जानते हो बाप कोई ऊपर से नहीं बैठ समझाते हैं। ऊपर तो आवाज ही नहीं है, उसका नाम ही है निर्वाण धाम। वाणी से परे का धाम है। तो यहां आकर के समझाते हैं।
कि मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं, इस मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं, बेचारे कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप ही आकर के जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है, तुम्हारे अलावा और तो सभी सोए पड़े हैं। पहले तो तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े थे, अभी बाप ने आकर के जगाया है। बच्चों जागो, तुम गफलत में सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान की नींद। तो बाप आकर के ज्ञान से सभी को जगाते हैं। ये ज्ञान ही मीडिया बनता है तुमको जगाने के लिए। और अभी तुम बच्चे जाग गए हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो न ये शरीर काम कर रहा है और न ये तामसी आत्मा काम की रही। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित बन पड़े। एकदम मुलम्मे के 9 कैरेट कहें तो ठीक, अर्थात सोना बहुत कम रह गया। वेद में सोना सच्चाई को कहा जाता है। झूठ ज्यादा है। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अभी बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज बनाते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो कहेंगे लोहे की ठिकर भित्तर की चिड़िया। परंतु है तो चैतन्य ना, ये समझने की बातें हैं। लोहे को आग में डालते हैं तब ही मोल्ड होता है। तुम्हारी है योग अग्नि, ठिक्कर की चिड़िया क्यों कहा? ठोकर लगती है तो बिखर जाता है। तो माया की ठोकरें लगती रहती हैं, बुद्धि को बिखेर देती है। बित्तर की चिड़िया है, क्योंकि काम ही ऐसे करते हैं जो आत्माओं के पुरुषार्थ में विघ्न आ जाता है। तो तुम बच्चे जैसे आत्मा को समझते हो, वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा, ये बहुत छोटा सितारा है। इस आत्मा रूपी सितारे को
डॉक्टरों ने देखने की बहुत कोशिश की है, परंतु बेचारे दिव्य दृष्टि बिगर देख ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। अब आत्मा निकल करके जाती कहां है, दूसरे के तन में जाकर के प्रवेश करती है। कोई की भी आत्मा ऊपर परमधाम में तो जा ही नहीं सकती। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर में चली जाएगी शांति धाम में, तुमको तो ये पक्का मालूम हो गया कि बाप ही आकर के हमको घर ले जाते हैं। एक तरफ है कलयुगी और दूसरी तरफ है सतयुगी। अभी हम संगम पर पकड़े हैं तो वंडर लगता है, यहां 500 करोड़ मनुष्य कहां कलयुग में, और वहां सतयुग में सिर्फ 9 लाख। ये क्या हुआ जो सिर्फ 9 लाख रह गए? क्या होता है? अरे विनाश हो जाता है। बाप तो आते ही है नई दुनिया की स्थापना करने, और ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है? वही ब्रह्मा जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो कोई स्त्री चोला भी धारण करते हैं, फिर पूजनीय बनते हैं। जो ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मा बड़ी माँ, तो जगदम्बा का भी अर्थ है सारे जगत की माँ बड़ी माँ। तो 500 करोड़ की स्थापना हो जाती है, सारे जगत की माँ है ना। फिर पालना भी होती है दो रूपों में, स्थापना। स्थापना कितने रूप में? ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक रूप, जगदम्बा के साथ जगदप्पा का नाम गाते हैं, जय माता दी करते हैं तो जय पिता दी भी बोलना चाहिए ना। तो स्थापना एक के द्वारा और पालना विष्णु के, दो रूप कंबाइंड होते हैं। तो पालना होती है, ऐसे तो नहीं चार भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, 8/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। भुजा माने मददगार, माने पालना के कार्य में चार आत्माएं मददगार के रूप में कंबाइंड हो जाती है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती,
शंकर के साथ पार्वती, दूसरे नाम के हैं तो राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा। तो चार भुजा वाले कोई मनुष्य नहीं होते हैं, फिर तो शोभा ही ना रहे। बच्चों को ये भी समझाए देते हैं, चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को, त्रेता में उनकी दो कलाएं कम हो जाती हैं। तो बहुतों को ये नॉलेज अभी मिलती है, संगम में। तो इसी स्मृति में रहना चाहिए, मुख्य है ही दो अक्षर, बाप को याद करो बस। सभी को बाप कहते हैं, बेहद के बच्चों, बेहद की रूहो, हे शालिग्रामो, बाप को याद करो। बाकी तो दूसरों कोई को भी समझ में नहीं आवेगा। दूसरों माने किसको? जो आत्माभिमान की स्टेज में नहीं टिक सकेंगे। विनाश में ऐसे ही खलास हो जाएंगे। उनकी बुद्धि में तो बैठेगा नहीं। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान है, कहते भी हैं, बाबा आपने हमको सारा आसमान, सारी धरती, सभी कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं बची जो आपने दी न हो, सारे विश्व का राज्य ही दे दिया। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र भी फिरता है। तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी जानते हो, विकारी से निर्विकारी और फिर निर्विकारी से विकारी, ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है। कितनी बार बजाया है ये कोई गिनती तो कर ही नहीं सकता। आदम शुमारी भी गिनती करते हैं। बाकी ये जो तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान कितनी बार बने, इसकी तो कोई गिनती कर ही नहीं सकता। इनका हिसाब नहीं निकाल सकते कि कितनी बार तमो प्रधान बने, कितनी बार सतो प्रधान बने। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ये चक्र है। अगर लाखों वर्ष का ये चक्र होता फिर तो कोई समझाए भी नहीं सकता और कोई की बुद्धि में भी बैठेगा नहीं। अभी तुम्हारे में ज्ञान की धारणा होती है, तीसरा ज्ञान का नेत्र मिल जाता है। जानते हो ये सब खत्म हो जाएगा। इन आंखों से तुम जो भी पुरानी दुनिया देखते हो, तुमको जो तीसरा नेत्र मिलता है उससे नई दुनिया को देखना है। बाकी ये पुरानी दुनिया तो कोई काम की नहीं है। नई दुनिया में
और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते हम यह बन गए, कौड़ी मिसल बन गए। ये अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरों को भी समझाना है कि कैसे हम पतित बनते हैं, कैसे पावन बनते हैं। विष्णु को फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते, ब्रह्मा बनते हैं, फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु का फर्क देखते हो ना, क्या फर्क है ब्रह्मा में और विष्णु में, क्या फर्क है? अरे ब्रह्मा पतित और विष्णु पावन। विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है, ये दिव्य गुणों का श्रृंगार है। और ब्रह्मा देखो कैसे साधारण बैठे, तुम जानते हो ये ब्रह्मा। फिर सो वह विष्णु बनने वाले है, ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या ताल्लुक है, तुम जानते हो ये विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। कौन? जो विष्णु बीच में खड़ा हुआ है, इसमें जो चार भुजाएं हैं, ये दो रूप हैं, सत्युग के लक्ष्मी नारायण और संगमयुग के लक्ष्मी नारायण। नर से नारायण और नर से डायरेक्ट प्रिंस, यही विष्णु देवता सो ब्रह्मा मनुष्य बनते हैं। जानते हो ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है और वो विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहां का है। बाप ने समझाया है ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। तत्त्वम तो ब्रह्मा कोई एक तो नहीं बनते हैं ना, एक बनते हैं क्या? कितने बनते हैं? चार। ब्रह्मा 5 बनते हैं, परंतु शास्त्रों में दिखाया है प्रजापिता ब्रह्मा का सर काट दिया गया, तो पंचानन ब्रह्मा जो गाया हुआ है वो फिर चतुरानन ही गाया जाता है। तो वो 4 भुजाएं मददगार के रूप में गाई हुई है, जो पालना करने के निमित्त बनती है।
के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, तब ही पालना करती है। और यहां कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है, इन ब्रह्मा का भी गुरु शिव बाबा है। ये ब्रह्मा कोई हमारा गुरु नहीं है। तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है। उनको ही सदगुरु कहा जाता है। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? तुम बच्चों को शिव बाबा को याद करना है, इन ब्रह्मा को तो याद नहीं करना है। तो कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान वो शिव ही है। वो हम सभी आत्माओं का बाप है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो। कौन से बाप को याद ना करो? है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको याद न करो। वो तो अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? पावन बुद्धि होता है या पतित बुद्धि, पत्थर बुद्धि हो जाता है? पूजा करते हैं, पूजा बड़े रूप की जाती है या आत्मा की जाती है? बड़े रूप की पूजा की जाती है। आत्मा को तो याद किया जाता है। तो मैं तो आत्मा हूं जो तुमको पढ़ाता हूं, पतित से पावन बनाता हूं, जिसमें आता हूं वो पतित है या पावन है? पतित है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज बात बताते हैं। शरीर तो एक ही है, परंतु उसमें पार्ट बजाने वाली आत्माएं तीन है। इनको याद मत करो, न इसको याद करो, न इनको याद करो। इसको याद करो, मुझको याद करो। माने बिंदु को याद करें। अगर सिर्फ बिंदु को याद करेंगे तो बिंदु तो कुछ कर ही नहीं सकता। मुकरर रथ में आते हैं तो रथ सहित याद करना पड़े मुझ आत्मा को। शिव बाबा को याद करो। बच्चा पैदा होता है और जट मामा कह करके उनके मुख से आप ही निकल जाता है, माँ बा। बच्चा माँ बाप के सिवाय और कोई की गोद में नहीं जावेगा। जावेगा? नहीं जाता है। और यहां यहां ब्राह्मण बच्चे औरों की गोद में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? है? जाते हैं। इसका मतलब है कि ज्ञान सूर्य बाप के वो बच्चे नहीं हैं।
जो औरों को बाप बनाते हैं। तुम आत्मा रूपी बच्चे मेरे हो, जो आत्म की स्थिति में स्थित होते हो। तो बच्चा माँ बाप के सिवाय कब कोई की गोद में नहीं जावेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हिर जाते हैं तो बात और हो जाती है। संग का रंग लगता है। तो ये माँ बाप दो का खेल है। मेल और फीमेल, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उन मित्र संबंधियों में भी जोड़ी जोड़ी होंगी, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, दो का खेल होता है ना। कुमारी होगी, फिर वो बड़ी होगी तो कोई उनको चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको तो बाप समझाते हैं, क्या क्या समझाते हैं कि ना तुम्हारी कोई चाचा है, ना चाची है, ना मामा है, ना मामी है। क्या तुम हो आपस में? आपस में तुम आत्मा भाई भाई हो, बस। और सभी संबंध कैंसिल कर देने हैं। भाई भाई समझेंगे तभी ही तो एक बाप को याद कर सकेंगे। बाप भी कहते हैं, बच्चों मुझे बाप को याद करो। ये कितना बड़ा बेहद का बाप है। वो बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। बड़ा बाबा, बेहद का बाबा, छोटा बाबा हद का बाबा है क्या? बड़ा बाबा क्यों कहा? इसका मतलब छोटा बाबा भी है, बड़ी माँ है तो जरूर छोटी माँ भी है। बड़ा बाबा भी है, छोटा बाबा भी है, परंतु छोटा बाबा बेहद का बाबा है क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाबा है। सारी दुनिया तो उसे बाबा नहीं कहेगी, और इसको तो एक दिन आवेगा जो सारी दुनिया शिव बाबा कहेगी। इस सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला एक भी पार्टधारी ऐसा नहीं होगा जो शिव बाबा को न जाने। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, मन मना बब, अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, ये बात मत भूलो। भूल कब होती है? जो बाप को भुलाई देती है। जब अपन को आत्मा नहीं समझते, देह समझते हैं, तो पहले पहले अपन को आत्मा समझना है। बस हम आत्मा शालिग्राम हैं और हमको बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई वो भरपूर सतो प्रधान बन जाएगी। पानी की गंगा में तो तुमने जन्म जन्मांतर क्या किया? नहाए नहीं, गुटके खाए। क्यों याद दिलाते हैं ये बात हैं? जन्म जन्मांतर गुटके खाए, पावन तो बन नहीं सके।
क्यों याद दिलाया? अभी भी वो ही भूल करेंगे, पानी की नदियों को पावन पतित पावन समझेंगे और बाप को भूल जाएंगे, तो पतित से पावन कैसे बनेंगे? पानी की नदियां कैसे पावन बना सकती? ये तो ज्ञान सागर है। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ तो रतन निकले। पानी का मंथन करने से रतन निकलेंगे क्या? सार निकलेगा क्या? ज्ञान तो बाप ही आकर के देते हैं, बाकी तो सब शास्त्रों की बातों को ही रिपीट करते रहते हैं। नई बातें तो कोई सुनाते ही नहीं। आठ बारह अड़सठ की वाणी का तीसरा पेज। पानी से कैसे सदगति होगी? ये तो बड़ी भारी बेसमझी है। अभी तुम समझते हो हम रावण संप्रदाय की मत पर जो भी सुनते थे सभी सत्य सत्य कहते रहते थे। अभी वो तो सब असत्य निकल पड़ा। ईश्वर सर्वव्यापी कहना वो असत्य बात हो गई ना। गीता का भगवान कहना असत्य हो गया ना। जो सत्य जानते थे वो सभी असत्य निकल पड़ा। ये है ही पापात्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी सारा पापात्माओं से होता है, चाहे मनसा के संकल्पों से, चाहे वाचा की बातों से, चाहे कर्मेंद्रियों के कर्मों से। पतित ही बनते रहते हैं, पावन तो कोई बनते ही नहीं, क्योंकि ये है ही झूठ खंड। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। सदगुरु को ही सत्य कहा जाता है, इसलिए नाम ही है सतगुरु। तो बाकी गुरु कैसे हो गए? असत्य हो गए? सतगुरु एक को कहा जाता है। सिख लोग जोर से बोलते हैं सत श्री अकाल, इसका मतलब एक ही सत्य है, एक सदगुरु अकाल मूर्त, बाकी तो सब असत्य ही असत्य बतलाते। वो सतगुरु आकर के सत्य खंड की स्थापना करते हैं। सच्चे देवताओं के आगे झूठ खंड वाले मनुष्य माथा टेकते हैं। कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, इबादत के स्थान कितने हैं? गिरजाघर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, तीर्थ स्थान हो, कितने ढेर के ढेर हैं। जहां भी मनुष्य अच्छा मंदिर देखते हैं वहां दौड़ते हैं। बेसमझते ना, आगे मुसलमान लोग भगा कर ले जाते थे, इसलिए पुरुष लोग स्त्रियों को कहते थे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति घर में भी रख दी है, फिर मंदिर में जाने की क्या दरकार।
तो बाहर जाने से रोकते थे। फर्स्ट क्लास चित्र बना करके घर में रख दिए। बात तो एक ही है, आगे चित्र बहुत फर्स्ट क्लास बनते थे। चीज तो वही होती है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, तुम कहते हो हम ये बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति बंद हो गई, तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया। ज्ञान से ही सदगति होती है। ज्ञान एक से आता है, भक्ति अनेकों से आती है। तो ये लक्ष्मी नारायण सदगति में है ना। कहेंगे विष्णु सदगति, ब्रह्मा दुर्गति। बाप ने समझाया है, ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़ा है, तो अंतिम जन्म में दुर्गति में होगा ना। बाप कितना सहज करके समझाते हैं। ये बातें समझाने के लिए तुम बच्चियां कितनी मेहनत करती हो और कल्प कल्प ऐसी मेहनत करती रहती हो। पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाना है। कहते भी हैं भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है, और जादूगर तो जरूर है ना। पुरानी दुनिया हेल को बदल करके हेविन बनाए देते हैं। कितना जादू का काम हुआ। अभी तुम सब हेविन के वासी बन रहे हो। जानते हो अभी तक हम हेल के वासी थे। ये बात अच्छी तरह जान गए कि हेल और हेविन अलग अलग हैं। लोग तो कह देते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है। बाप कहते हैं ये 5,000 वर्ष का चक्र है, लाखों वर्ष की बात भी नहीं है। और ये बातें भूलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान खुद आकर के मुख से डायरेक्शन देते हैं। तो जरूर ये भगवान वाच है ना। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि जरूर कोई पुनर्जन्म रहते हैं, जो आकर के हमको षष्ठी के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। पुनर्जन्म लेने वाले तो पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। वो तो षष्ठी चक्र का ज्ञान सुना ही नहीं सकते। और कृष्ण भी तो शरीरधारी है, उसने भी तो जन्म लिया ना। पुनर्जन्म लेते ही रहते हैं। शिव को पुनर्जन्म होता नहीं, फिर भी उनको मुख तो जरूर चाहिए तुमको सुनाने के लिए। आकर के पढ़ाते हैं ना, ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास क्यों है? अरे अभी तो बताया, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, और वो सारे कल्प में एक ही बार आते हैं। इसलिए आते हैं दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए। तो जरूर है कि सुख शांति का वर्षा बाप से ही मिला है, तब तो उनको सारी दुनिया याद करती है।
सब बाप को ही याद करते हैं ना। कहते हैं गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, दिल्ली में जो तार भेजी गई थी उसमें बहुत अच्छा ज्ञान था किसी को समझाने का। इस महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद ही विश्व में शांति स्थापन होगी। और बाप ही आकर के शांति स्थापन कराए रहे हैं हम ब्राह्मणों के द्वारा। फिर ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं। ब्राह्मण ही स्वदेवताएं बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। जिसमें दिखाते हैं देवताएं भी दिखाए हैं, राक्षस भी दिखाए हैं, जानवर भी दिखाए हैं, पशु पक्षी भी दिखाए हैं। मस्तक में देवताएं, कहते हैं भुजाओं में क्षत्रिय, जांघों में वैश्य, पांव में शूद्र। बाप ज्ञान देखो कितना सहज रीति देते हैं। तो यहां बैठे भी बाप को याद करो, बायजोली को याद करो तो मन मना भव हो जाएगा। जानते हो बाप ही ये सारा ज्ञान देने वाला है। कौन सा सारा ज्ञान? सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक का सारा ज्ञान बाप में समाया हुआ है। सारी सृष्टि का बीज रूप है ना। तुम कहेंगे हम वेद के बाप के पास जाते हैं, बाप हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं। यहां बैठे घर को याद करो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। घर को याद करना है, नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी, तो इस पुरानी दुनिया से तो वैराग आना चाहिए। आगे चल करके तुम बैकुंठ को बहुत याद करेंगे। अभी क्यों नहीं याद करते है? अरे आगे चल के याद करेंगे, अभी क्या बात हो गई, अभी क्यों नहीं याद करते है? नहीं, हमारी यात्रा है। यात्रा करते करते जब वापस लौटते हैं तो घर जब नजदीक आ दिखाई देता है तो बहुत याद आता है। आगे चल करके ये कंप्यूटर की दुनिया विस्तार को पावेगी या खलास हो जाएगी? खलास हो जाएगी। पहले ये ज्ञान खूब विस्तार को पावेगा, इतना विस्तार को पावेगा कि सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो न समझने वाले हैं वो भी समझने लग पड़ेंगे। तो आगे चल के घड़ी घड़ी बैकुंठ में तुम जाते रहेंगे। कोई बुद्धि योग से जावेंगे, जिन्होंने उतना ज्ञान नहीं उठाया है वो बाप के भक्त बच्चे साक्षात्कार में बैकुंठ को देखते रहेंगे। शुरू शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ बैकुंठ में चली जाती थी। शुरू शुरू में ज्ञान प्रबल था, यह भक्ति का ही फाउंडेशन था, भक्ति का फाउंडेशन था। तो ऐसा साक्षात्कार में जाता देख करके बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे।
नाम रखा ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आ गए, फिर हंगामा हुआ, बच्चों को पढ़ाते भी थे, पढ़ते पढ़ते आप ही ध्यान में चली जाती थी। अभी ये ध्यान दीदार का पार्ट बंद कर दिया, क्यों? अभी क्यों बंद कर दिया है? अभी इसलिए बंद कर दिया कि पहले तो भक्ति का ही फाउंडेशन था, मुरली भी जो सुनते थे उसमें मनन चिंतन मंथन करके नई बातें निकलती थी क्या? ज्ञान का जो सार है वो तो गुप्त ही था। क्या है ज्ञान का सार? वो तो था मालूम, पहले भी मालूम था, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, क्या बेसिक में मालूम नहीं था? मालूम था तो क्या गुप्त था है? बाप गुप्त था। बाप कौन है ये पक्का ज्ञान कोई भी बेसिक में चलने वाले को ज्ञात ही नहीं था। अभी भी जो बेसिक में है उनको अभी भी पता नहीं है कि बाप कौन है, और तुमने तो सार निकाल लिया, सार तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। तो अभी ये ध्यान दीदार आदि सब बंद कर दिया। यहां माउंट आबू में आए तो भी कब्रस्तान बनाए देते थे, कब्रस्तान बनाए देते थे माना सांप को सुलाए देते थे, सांप अचेत जैसे हो जाते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में ले जाते थे। अभी तुम बच्चे तो जादूगर हो, तुम भी किसी को देखेंगे और वो झट ध्यान में चले जाएंगे। ये जादूगरी कितनी अच्छी है। नौधा भक्ति में तो एकदम प्राण देने को तैयार हो जाते, तब उनको दीदार होता था। यहां तो बाप खुद ही आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ा करके उच्च पद दिलाते हैं। यहां ध्यान दीदार की बात नहीं है, आगे चल करके तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। कौन सा साक्षात्कार है? बंद आंखों का, बुद्धि का साक्षात्कार करते रहेंगे। जिनका जो पद होगा बुद्धि से उसका पूरा साक्षात्कार होगा। बाप से ही अभी कोई पूछे तो बता सकते हैं कि कौन गुलाब के फूल हैं, कौन चंपा के फूल हैं, कौन टांगर है। टू भी होते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।